विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, सहायक पुलिस अधीक्षक अधिकारी लाइन रोहन प्रमोद बोत्रे, क्षेत्र अधिकारी कैंट प्रभात राय, जगदीश सिंह, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन उमेश कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर गोरखपुन्नी से बात करते हुए ASP रोहन प्रमोद बोत्रे और SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, बाकी लोग अच्छे तरीके से खड़े हो, आर्मी वाले देखो राजनाथ सिंह को भी ले जाते कहीं भी, तो ऐसा खड़ा करते हैं कि लगा दें, बस हाथ लगाओ भाई। हो गए, इतनी देर में तो लीची दे देगा ये नहीं देगा तो आगे मत कहिएगा, खेत वाला मजा आ जाएगा। दोनों हाथ से डालिए सर, तो हटा आज 5 जून है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में ये पूरे विश्व भर में ये मनाया जाता है। इस अवसर पे हमने पुलिस लाइंस में भी एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी वहाँ पे आए थे, उनके हाथों भी हमने कुछ पौधे लगवाए हैं, तो एक अच्छा प्रोग्राम, अच्छी पहल वहाँ पर रही है। मुझे लगता है वृक्षारोपण हर एक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए और उसको जीवित रखने के लिए उसकी केयर भी करनी चाहिए, उसको पानी देना और बाकी सारी चीज़ें उसको करनी चाहिए। कुछ दिन पहले श्री नितिन गडकरी साहब, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में उन्होंने चार्ज लिया है, वो भी कह रहे थे कि जो भी हाईवेज़ बन रहे हैं तो उनका है कि हाईवेज़ के पैरेलल कम से कम एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति उस एरिया का एक पेड़ वहाँ पे लगाए। 125 करोड़ पेड़ उनका लगाने का मानस है इस पूरे आने वाले 5 साल में, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है गवर्नमेंट की भी है। काफ़ी विकास जो हो रहा है सड़कें बन रही है, अभी तो पर्यावरण के लिए उचित पेड़ काटे जा रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए देखो अनिवार्य है, रोड बनना भी अनिवार्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना अनिवार्य है, पर उसके सापेक्ष में, उसके बदले में कम से कम एक पेड़ प्रत्येक व्यक्ति लगाए, तो मुझे लगता है वो एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो बना रहेगा। जैसा कि आपको पता है मौसम भी आ रहा है और आज 5 जून पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको ध्यान में रखते हुए गोरखपुर पुलिस ने आज एक मुहिम चालू करी है। अगले 1 महीने तक हम जगह जगह वृक्षारोपण अपने कैंपस में, खासतौर से जो पुलिस थानों के कैंपस हैं, हम थाने लोगों को, थानेदारों को, चौकी अफसरों को, बाकी अफसरों को ये प्रोत्साहित करेंगे कि अपने आसपास हरियाली बढ़ाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधे लगाएं और आसपास के और सिविलियन, व्यापार यूनियन लोगों को भी पुलिस की तरफ से प्रोत्साहन मिले और आसपास हरियाली बढ़े, इससे कुल मिला के सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं। इवन इसका असर क्राइम पर भी पड़ता है, क्राइम भी कम होता है जब इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी बनती है, लोग पेड़ लगाते हैं, छाए में रहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से गुजारिश करूँगा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी और आगे आने वाले बरसात के सीज़न को देखते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाएँ।